Hello guys, to achieve objective of good plant layout, following principle of a good plant should be followed. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अच्छे प्लांट लेआउट के लिए जो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं कि जिससे हम इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव है हमारा गुड प्लांट लेआउट के लिए वो उसे अचीव कर सकें। तो पहले ही मैंने ऑब्जेक्टिव है उस पर एक वीडियो बना दिया है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हम एक प्लांट है उसे बेहतर बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग, डिस्टेंस ट्रैवलिंग है जो हमारे रॉ मटेरियल का मेन का वो कम से कम करना है। यहाँ पर सेकंड है मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट, मटेरियल को हैंडल करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो मिनिमम करें हम। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम बॉटलनेक, जहाँ जहाँ पे बॉटलनेक हमें दिखाई दे रहा है उसे हम कम से कम करने की कोशिश करें। एंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमारा फ्लोर है, जो हमारी पूरी शॉप है, उस जगह को हम पूरे उसे बेहतर यूटिलाइज करें पूरे पूरा, या हम कह सकते हैं कि उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज द फ्लैक्सिबिलिटी, तो कई सारे कंपोनेंट्स नए नए आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को भी हम उसे बेहतर बनाकर मिनिमम कॉस्ट में अच्छे से बना सकें। फिर प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी है, सेफ्टी यानी कि कोई हैजार्डस कंडीशन है वो ना बन सके, उसके लिए हम कुछ अच्छे से स्टेप्स लेने हैं, उसे हमें सेफ बनाए रखना है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम वेटिंग टाइम, तो जो पूरा वेट जो टाइम लगता है कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करना या मूव करना, तो वो कम से कम लगना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन, तो पूरी सिस्टम है हमारे मशीन शॉप या कह सकते हैं शॉप की, वो पूरी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक संकलित होनी चाहिए, एक दूसरे से कंबाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम देखकर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग, सो द प्लांट लेआउट शुड बी सच दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मटेरियल एंड मैन शुड बी मिनिमम। तो प्लांट लेआउट हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि पूरा एक प्रोसेस फ्लो चार्ट हमें बना देना है जिससे मटेरियल है वो स्टेप वाइज एस एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, और वो भी एक कंप्लीट फ्लो प्रोसेस में, कि यहाँ इस जगह पे इस मशीन पे अगर एक सेटअप बनेगा या हम कहेंगे कि जो वो एक प्रोसेस होगी, उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोसेस है तो वो एक दूसरे के नज़दीक होनी चाहिए, जिससे हम मटेरियल या हम कह सकते हैं कि मैन का जो ट्रैवलिंग है उसे कम से कम बना सकते हैं, या हम जिससे जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा उसके लिए। दिस रिड्यूसेस द ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम, तो वो प्रोसेसिंग टाइम है उसको भी कम करेगा। हैंस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग न्यू रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट कैन बी रिड्यूस्ड, तो एक कंपोनेंट को जो टाइम अगर कम लगेगा तो इनडायरेक्टली जो उसकी कॉस्ट है एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कम से कम लगेगा। सो ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग, और जिस जितना डिस्टेंस होगा वो ट्रैवल कम होगा एक मटेरियल का, तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी कम से कम रहेंगे। ये सारे तीन पॉइंट को हमें कंसिडर कर चलना है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट, मटेरियल को हैंडल करना है एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाना, मूव करवाना। देयर शुड नॉट बी अ टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल, तो एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यूस मूव नहीं होते रहना चाहिए, वो एक कंप्लीट फ्लो प्रोसेस है, उसको हमें बनाए रखना है, कि जैसे ही समझाए कि एक प्रोसेस के बाद जो दूसरी प्रोसेस होगी वो एकदम एक दूसरे के नज़दीक होनी चाहिए, जिससे जो टाइम लगेगा मटेरियल मूव का वो कम रहेगा और हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। द मटेरियल वंस एंटर इन द प्रोसेस शुड कम आउट एज अ फिनिश प्रोडक्ट, एक बार हमारी रॉ मटेरियल है वो एक प्रोसेस में जा चुकी है, पहुंच चुकी है, तो वो डायरेक्ट ही उसके बाद कंप्लीट होकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलनी चाहिए। तो जिससे हम कह सकते हैं कि मटेरियल मूवमेंट कम होने की वजह से हमारा पूरा जो कॉस्ट है वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कम लगेगा। द मटेरियल मूवमेंट शुड ऑल्सो फॉलो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जैसे ही हमने एक पूरा एक सेंटर बनाए रखा है कि ये फर्स्ट बैच है वो इस जगह पर उसका फर्स्ट सेटअप बनेगा, फिर
उस दूसरे मशीन पे, या हम कह सकते हैं कि दूसरे सेंटर पे उसका दूसरा सेटअप बनेगा। तो वो एकदम एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए और उसके बाद वो तीसरे सेटअप या तीसरी प्रोसेस में जाना चाहिए, जिससे यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहेगा। एंड सो दिस हेल्प्स इन अचीविंग द कंटिन्यूस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल, जिससे हमारा जो पूरा एक फ्लो है मटेरियल का, कि उसके प्रोसेसेस है, जो जितनी प्रोसेसेस चाहिए वो टाइम टू टाइम और उसके साथ ही एग्जैक्ट फ्लो में बने रहेगी, जिससे हमारी मटेरियल है रॉ मटेरियल वो फिनिश प्रोडक्ट तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और डिस्पैच हो जाए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम बॉटलनेक, बॉटलनेक यहाँ पर द लेआउट ऑफ ए प्लांट शुड फॉलो दैट देयर मस्ट बी अ मिनिमम बॉटलनेक। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लूप होल्स नहीं होने चाहिए हमारी प्रोसेस में, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम ही बनी रहे। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स, अगर हम एक सीएनसी मशीन शॉप के बारे में बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स एंड द अरेंजमेंट शुड बी सच दैट द रिड्यूस द बॉटलनेक ऑफ अ क्रिटिकल कंपोनेंट। तो काफ़ी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स सीएनसी में बनते हैं, सो इनडायरेक्टली अगर मशीन्स है वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होंगे, कि एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस में उसे जाना है, टर्निंग मशीन से के बाद मिलिंग मशीन तक पहुंचना है, तो अगर डिस्टेंस ट्रैवलिंग कम रहेगा तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने के, हमारे कंपोनेंट डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ फ्लो में, एक फ्लो प्रोसेस में मूव करता रहेगा और एकदम अच्छे से वो प्रोडक्ट बन जाएगी। तो जितने भी लूप होल्स है वो कम से कम होने चाहिए हमारे एडवांटेज के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, जो जगह हमारे पास है उसका हमें बेहतर से बेहतर यूज़ करना है और अच्छे से करना है, कि पूरी स्पेस को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। द प्लांट लेआउट शुड हैव अ मैक्सिमम फ्लोर यूटिलाइजेशन एज वेल एज द हाइट ऑफ द सीलिंग। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हमारी छत फैली हुई है, हम इस तरह से अरेंजमेंट करना है, हम रैक का यूज़ कर सकते हैं मटेरियल को स्टोर करने के लिए, और ये सब इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट हमें हमारे पास जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन फुल करना है, जिससे हम थोड़े स्पेस में भी अच्छी तरह से मटेरियल को सेट कर सके, अरेंज कर सके पूरी प्लानिंग के साथ। द विल हेल्प इन एकोमोडेटिंग द मोर मटेरियल इन द सेम स्पेस, की जो स्पेस है उसमें ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को स्टोर कर पाए। इसीलिए द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज द फ्लैक्सिबिलिटी, द प्लांट लेआउट शुड बी फ्लैक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स इफ रिक्वायर्ड एट मिनिमम कॉस्ट। तो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आए तो हम उसे भी अच्छी तरह से बना सकें, इतने तो हम फ्लेक्सिबल होने चाहिए और मिनिमम कॉस्ट पे, जो जिससे हमारे कंपनी का फायदा हो। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, द प्लांट लेआउट शुड प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो हमें इतनी तो स्पेस देनी है कि जिससे कोई पर्सन है वो आसानी से शॉप फ्लोर पर चल सके, एंड जो मटेरियल की मूवमेंट है वो भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो इतनी फोर्कलिफ्ट है तो उतनी उसे जगह देनी पड़ेगी, उसके लिए एक रास्ता बनाए रखना पड़ेगा शॉप फ्लोर पे, कि जिससे उसका जो मूवमेंट है उस क्रेन का या फोर्कलिफ्ट का या कह सकते हैं मैन का, वो अच्छी तरह से बना रहे, जिससे एक्सीडेंट्स ना हो, कम ना हो ऐसा नहीं, बट एक्सीडेंट्स ना ही हो। इट मस्ट अवॉइड द एक्सीडेंट्स एंड हैजार्डस कंडीशन, तो उससे एक्सीडेंट्स कम से कम होंगे और हैजार्डस कंडीशंस जनरेट नहीं होंगी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम वेटिंग टाइम, द वेटिंग टाइम ऑफ अ मैन एंड द मशीन्स फॉर द रॉ मटेरियल शुड बी मिनिमम। तो कोई मैन के लिए, पर्सन के लिए या मशीन्स के लिए जो रॉ मटेरियल का जो टाइम लगने वाला है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। और हम एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि मशीन हमारा आइडल कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, उसको जल्दी से मटेरियल प्रोवाइड कर देना चाहिए, मेंटेनेंस में कम से कम रहना चाहिए। तो ये सब यानी कि वेटिंग टाइम कम होने से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो बेनिफिट्स रहेंगे कंपनी को। बस इस तरह से ये सारे प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट, मिनिमम बॉटलनेक, मैक्सिमम क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी,
safety, minimum waiting time and complete integration. ये सारे principles को हमें achieve कर कर हम हमारे objective को achieve कर पाएंगे. तो ये इस तरह से.